हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 10th ऑफ मई के करंट अफेयर पढ़ेंगे। सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट और पीडीएफ एचपी सक्सेस क्लासेस पे अपलोड हो रही है, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल। और अभी जो भी आरआरबी या आईबीपीएस के लिए जा रहे हैं, अभी से करंट अफेयर पढ़ने लग जाओ और मेरे साथ जुड़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। करंट अफेयर में क्लास में ही याद करवा दूंगा। जैसे ही मंथ एंड होगा तो कंप्लीट मई के करंट अफेयर मिलेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी, प्लस टॉपिक वाइज भी मैं करवाऊंगा। बट आप लोग शेयर तो करो यार, और जो भी लोग वीडियो देख रहे हो कमेंट करो कैसी लगी क्लास को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर वन, जल्दी जल्दी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पेटीएम मनी सीईओ? पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर है राकेश सिंह। ठीक है, राकेश सिंह बने हैं। अभी दिनेश के त्रिपाठी जी को क्या बनाया? 26 नेवी चीफ है ये। नेवी के वाइस चीफ कौन है? कृष्ण स्वामीनाथन। शुभ्रांशु शेखर जी को क्या बनाया है? इनको बनाया है सीएमडी ऑफ, चेयरमैन एंड एमडी ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, इसके सीएमडी बने। और मोहम्मद रिहान को क्या बनाया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के डायरेक्टर जनरल बनाया है मोहम्मद रिहान को। क्लियर, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू में चलते हैं। रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने अभी शपथ ली है एज ए प्रेसिडेंट, कौन से टर्म के लिए? तो ये इनका पांचवा टर्म है, टर्म याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड फर्स्ट इग्निशन टेस्ट ऑन सेमी क्रायोजेनिक फ्री बर्नर इग्निशन टेस्ट आर्टिकल, इसकी फुल फॉर्म है पीटा, एट विच प्लेस? तो इसरो ने कंडक्ट किया पहला इग्निशन टेस्ट किया है ऑन सेमी क्रायोजेनिक फ्री बर्नर इग्निशन टेस्ट आर्टिकल, तो ये किया है महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में किया है। और इसरो डेवलप कर रहा है 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन दैट यूजेज ए लिक्विड ऑक्सीजन केरोसिन प्रोपेलेंट मिक्सचर टू इंप्रूव द पेलोड कैपेबिलिटी ऑफ लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री रॉकेट। तो LVM3 रॉकेट है ना, इनकी जो कैपेबिलिटी है पेलोड कैपेबिलिटी, उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने 2000 किलो न्यूटन का थ्रस्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, फर्स्ट इग्निशन टेस्ट कहाँ किया है? सेमी क्रायोजेनिक पीटा का, पीटा सेमी क्रायोजेनिक पीटा प्री बर्नर इग्निशन टेस्ट, ये किया है महेंद्रगिरी में। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की, जो दूसरी है। अभी इंडिया का, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस बोम्बर यूएवी, इंडिजिनस बोम्बर यूएवी, इसका नाम क्या है? SWD, FWD 200B। और ये कहाँ लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है बेंगलोर में। ये कौन सी कंपनी? फ्लाइंग वेज कंपनी का नाम भी याद रखना, फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड फ्लाइंग वेज एंड डिफेंस एरोस्पेस, एंड डिफेंस एरोस्पेस ने किया है। ठीक है, अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने जिंदल स्टील एंड पावर के साथ एमओयू किया है, जिंदल स्टील एंड पावर के साथ एमओयू किया है, क्यों किया है? ताकि जितने भी शिप बिल्डिंग है, शिप बिल्डिंग हो रहा है, शिप बन रहा है, उसके अंदर इंडिजिनस कंटेंट इंक्रीज हो, मतलब इंडिया का ही कंटेंट यूज करे, स्टील वगैरह जो भी यूज करे वो इंडिया का यूज करें, इसी के लिए ये एमओयू किया। क्वेश्चन नंबर थ्री क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। फोर है, कौन सी कंट्री ने कंट्रीब्यूट किया $5,000 टू यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड? $5,000 किसने कंट्रीब्यूट किया? तो वो किया है इंडिया ने, $5,000 किया है यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म फंड में। ठीक है, अभी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज ने क्या किया है? अभी क्लाइमेट रेजिलियंस फंड लॉन्च किया है, क्लाइमेट रेजिलियंस फंड, और इसके थ्रू वो क्या करेंगे? $100 मिलियन रेज करेंगे बाय 2025, बाय 2025। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़े से और लोन। इंडिया ने अभी ग्रांट दी $61.5 मिलियन की श्रीलंका को फॉर कंखे संतुरी पोर्ट। ठीक है, और अभी पाकिस्तान को $1.1 बिलियन का लोन मिला है आईएमएफ से, टोटल आईएमएफ देगा $3 बिलियन।
ठीक है। और अभी अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान को 84 मिलियन डॉलर का लोन मिला है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट मिली है भाई वर्ल्ड बैंक, ठीक है। 137 न्यूज अच्छे से याद हो गई अपने। ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इंडिया विद विच कंट्री स्ट्रेंथन टाइज फॉर इंडो स्पेसिफिक सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। तो इंडो स्पेसिफिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए इंडियन किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन बात करें, यूरोपियन यूनियन ने अभी अडॉप्ट किया था न्यू सेंजेन वीजा रूल्स फॉर इंडियन ट्रेवलर, न्यू सेंजेन वीजा रूल फॉर इंडियन ट्रेवलर्स, ठीक है। और अभी रिसेंटली फिफ्थ ज्वाइंट ग्रुप ऑफ कस्टम, ज्वाइंट ग्रुप ऑफ कस्टम की मीटिंग हुई थी ऑफ इंडिया एंड भूटान की, इंडिया एंड भूटान की, वो कहाँ हुई है? कल पढ़ा था अपने, वो ये लेह लद्दाख में, ठीक है। और अभी इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ भी एमओयू किया था, वो किस किस में किया था? एग्रीकल्चर, फार्मा एंड फूड प्रोसेसिंग में, एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इंडिया ने नेपाल के साथ भी एमओयू किया है टू एनहेंस दियर ऑडिटिंग, ऑडिट के पर्पस को और एनहेंस करने के लिए ऑडिट क्वालिटी को, ठीक है। क्लियर हो गए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? इंडिया बैग्स सेकंड स्पॉट विथ 43 मेडल्स एट एएसबीसी एशियन अंडर 22 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप, हु फिनिश फर्स्ट इन दिस इवेंट। तो सबसे पहले तो ये इवेंट का हो रहा है एएसबीसी एशियन अंडर 22 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये हो रही है अस्ताना कजाकिस्तान, और मेडल टेली को टॉप भी अस्ताना कजाकिस्तान ने किया है, सॉरी कजाकिस्तान ने किया है, ठीक है। बस बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, अब मैं बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली मैड्रिड ओपन हुआ है, मैड्रिड ओपन, मैड्रिड ओपन का मेन सेक्शन किसने जीता है? मेन सेक्शन जीता है एंड्री एंड्री रूबलेव ने, ठीक है। ये रशिया से है। ओके अब मैड्रिड ओपन का वुमेन्स टाइटल किसने जीता है? वुमेन्स वाला तो ये जीता इगा स्वैतक ने, ये पोलिश प्लेयर है, पोलैंड के हैं। इन्होंने डिफीट किसको किया है? डिफीट किया एरिना सबलेंका, सबलेंका जो बेलारूस से है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हु अपॉइंटेड एज ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ श्रीलंका टीम फॉर T20 वर्ल्ड कप। तो श्रीलंका टीम का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी है? तो वो है वापस अमूल। तो अमूल कौन कौन सी कंपनी का ऑफिशियल स्पॉन्सर हो गया है? ने पढ़ा था यूएसए, साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका। चलो अब याद कर लेते स्पोर्ट्स की न्यूज अच्छे से। मेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ हो रहा है? यूएसए एंड वेस्ट इंडीज में हो रहा है, ठीक है। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 वाला ये कहाँ होगा? ये होगा बांग्लादेश में, ठीक है। इसके क्वालिफायर स्टार्ट हो गए हैं अभी। और अब बात करें जो मेंस T20 वर्ल्ड कप है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर तो सिक्सर किंग युवराज सिंह, और फिर है हुसैन बोल्ट, और लास्ट में और थर्ड है एनियर्स बोस क्रिस गेल, ठीक है। और अगर अपन बात करें अभी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का कहाँ होगा? 2026 वाला कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? तो वो करेगा श्रीलंका प्लस अपना इंडिया, ठीक है। और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो क्वालिफायर की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? क्वालिफायर की ब्रांड एम्बेसडर है सना मीर, और ये पाकिस्तानी है, ठीक है। अच्छे से रिवाइज करवा दिया मैंने वर्ल्ड कप। क्वेश्चन नंबर 8 में चले। अंडर द प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना वुमेन सरपास्ड मेन इन पार्टिसिपेटिंग इन स्किल ट्रेनिंग विथ ओवर 95% ऑफ देम चूजिंग टेलरिंग एज दियर प्रिफर्ड ट्रेड, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट बेनिफिशियरी। ठीक है,
अभी क्या किया है, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर अभी जो स्किल ट्रेनिंग होगी उसमें वुमेन ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया है टेलरिंग के अंदर। तो कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है, तो वो है कर्नाटक में। ठीक है, मोदी जी ने क्या बोला था, मोदी जी ने बोला था 17 सितंबर 2023 को कि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे 3.5 लाख इंडिविजुअल्स को। ठीक है, उसमें से 2,40,000 तो वुमेन्स है 68%, बाकी 1,10,000 है मेन्स। ठीक है, और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जो है वो है कर्नाटक में, फिर सेकंड पे गुजरात है, थर्ड पे जम्मू है। इन इनको याद रखना। ठीक है, ठीक। अब बात थोड़ा क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन। अभी पेटेंट ट्रेड रिपोर्ट आई थी, पेटेंट ट्रेंड रिपोर्ट आई थी नेस्कॉम की, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइनेंशियल ईयर 23 में कौन से स्टेट में ज्यादा है, मैक्सिमम पेटेंट्स। ठीक है, वो फाइनेंशियल ईयर 23 तो वो है तमिलनाडु में। ठीक है, और अभी मियामी ओपन हुआ है, कल ही अपन ने पढ़ा था, कल परसों। मियामी ओपन ये जीता किसने, ये जीता है मैकलेरन, लैंडो नोरिस। हराया किसको, मैक्स वेरस्टापन को हराया है, और ये यूके के। चले ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 9। रिन्यूएबल एनर्जी अकाउंटेड फॉर हाउ मच परसेंट ऑफ इंडियाज न्यू पावर जनरेशन इन फाइनेंशियल ईयर 24। फाइनेंशियल ईयर 24 में जितना भी न्यू पावर जनरेट हुआ इसमें से रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट कितना है, वो है 71%। 71% है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीब्यूटेड मोर देन 71% ऑफ द 26 GW ऑफ न्यू पावर जनरेटेड इन द कंट्री। ठीक है, तो इतना ही याद रखना है आपको, ज्यादा नहीं याद रखना है। और भले अपन देख सकते हैं इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी कितनी है, 442 GW है, विद रिन्यूएबल एनर्जी कितनी है, रिन्यूएबल एनर्जी है 144 GW उसमें से। ठीक है, और अभी विक्टोरिया शी, विक्टोरिया शी ये क्या है, एआई जनरेटेड स्पोक्स पर्सन है, एआई जनरेटेड स्पोक्स पर्सन है। ये किसने स्टार्ट किया है, किसने लॉन्च किया, ये किया यूक्रेन ने। ठीक है, अभी गुरुग्राम के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, एक क्रिकेटर को युजवेंद्र चहल को, युजवेंद्र चहल को क्या बनाया, एम्बेसडर बनाया टू वोटर अवेयरनेस फैलाने के लिए, बस इतना सा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, किसको अभी ऑनरेरी पाम डोर अवार्ड से सम्मानित किया एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में। तो कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डोर अवार्ड किसको दिया है, वो दिया है मेरिल स्ट्रिप को दिया है, ये भी यूएसए से ही है। ठीक है, और अब मोहम्मद रियान क्या है, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, सुजय रैना क्या है, सुजय रैना है वीजा, वीजा ने क्या करा है, इंडिया का कंट्री मैनेजर बनाया है, इंडिया का कंट्री मैनेजर बनाया है। गौतम हरी सिंघानिया क्या है, ये है रेमंड के एमडी 5 साल के लिए, रेमंड के मैनेजिंग डायरेक्टर है 4-5 ईयर। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। हु अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ चाइना टू इंडिया आफ्टर ए डिले ऑफ 18 मंथ्स। इंडिया के लिए चाइना की तरफ से एम्बेसडर कौन है, तो वो है एक्शु फियोंग युआंग मांगनिंग, अजीब से नाम है इनके। ठीक है, और इसहाक डार कौन है, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, डिप्यूटी पीएम है पाकिस्तान के। जॉन स्विनी ये स्कॉटलैंड के हैं, अभी मैंने ये इन्होंने मोहम्मद हमजा हमजा यूसुफ को रिप्लेस किया है। जोस रोल मुलिनो ये पनामा के प्रेसिडेंट है, पनामा के प्रेसिडेंट है, और अभी रिसेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल कौन बने हुए हैं, मौसमी। देखो रेडियो रेडियो किस पे डिपेंड करता है, मैं मोस्टली तो मौसम पे, तो मौसमी, बस मौसम चक्रवात तो मौसमी चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री साइन एन एमओयू विद एयरबस टू डीपन एविएशन कोऑपरेशन, एविएशन कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए इंडिया ने, सॉरी इंडिया नहीं चाइना ने किया है एयरबस के साथ पार्टनरशिप, इंडिया तो ऑप्शन में नहीं है, गलती से इंडिया निकल गया, चाइना ने किया है। ठीक है, अभी इंडिया ने मॉरिशियस को, मॉरिशियस न्यूज में क्यों था,
मॉरिशियस को इंडिया 14,000 टन के बासमती राइस एक्सपोर्ट करेगा। बासमती राइस एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। और भाई चाइना बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। चाइना ने क्या किया है, पाकिस्तान का लूनर मिशन लॉन्च किया है, आई क्यूब कमर नाम है उसका, ठीक है। अंगूर क्लास सबमरीन पाकिस्तान के लिए भी चाइना ने लॉन्च किया, अंगूर क्लास सबमरीन। प्लस अभी बैडमिंटन के दो टूर्नामेंट हुए, थॉमस कप, उबर कप वुमेन्स का है, थॉमस कप मेंस का है। फाइनल में दोनों में इंडोनेशिया को हराया है, ठीक है। और अभी यूके न्यूज में क्यों था, इंडिया की कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और यूके की कंपनी है जी पावर, इन दोनों ने एमओयू किया है। ये डेवलप करेंगे इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, क्लियर। नेक्स्ट चलते अपन क्वेश्चन नंबर 13 में, कि कौन सा स्टेडियम को भी इंडिया की पहली हाइब्रिड पिच मिली है। हाइब्रिड पिच तो ये मिली धर्मशाला का स्टेडियम है, जो हाईएस्ट सबसे हाइट पे है ये वर्ल्ड का, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और अभी नया स्टेडियम बना है मुल्लानपुर क्रिकेट स्टेडियम, और ये किसके नाम पे रखा है, तो महाराजा यदवेंद्र सिंह, ठीक है। और ये पंजाब में बना है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया सरपासेस विच कंट्री, ठीक है। और 13 की एक और देख लेते हैं अपन, मुंबई वानखेड़े मुंबई न्यूज में है, तो मुंबई में भी क्या हुआ है, 12th बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मीटिंग हुई है, 12th बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई है ऑफ कर्मयोगी भारत, कर्मयोगी भारत की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग इंडिया ने सरपास किया कौन सी कंट्री को एज थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर इन 2023। तो इंडिया ने जापान को सरपास कर लिया है। और अभी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग, एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग फॉर नेट जीरो इमिशन के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी कितनी इंक्रीज करनी होगी। सोलर एनर्जी का जो पार्ट है वो 22% इंक्रीज करना होगा ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ग्लोबल में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसका 22% सोलर एनर्जी होना चाहिए, तभी नेट जीरो टारगेट अचीव होगा। और ये 22% होनी चाहिए बाय 2030। ओके क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेतु अनवील्स इंडिया फर्स्ट BFSI फोकस्ड LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेतु ने बनाया इंडिया का पहला BFSI फोकस्ड LLM, तो इसका नाम क्या है, नाम है सीसेम, सीसेम, ठीक है। और ये पाइन लैब्स ग्रुप का पार्ट है। अभी क्या है, पी नोट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन मार्केट सोर टू हाउ मच रुपीज, विच इज नियरली 6 ईयर हाई, लास्ट 6 साल का सबसे हाईएस्ट हो गया है। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स है जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ हो गई है, ठीक है। जीएसटी कलेक्शन कितना है अप्रैल का, 2.10 लाख करोड़, ठीक है। अब बैंकिंग अवेयरनेस की बात करते हैं अपन जल्दी जल्दी, विच बैंक एंड नॉर्दर्न आर कैपिटल ने आपस में पार्टनरशिप की टू सेट न्यू बेंचमार्क इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो साउथ इंडियन बैंक ने नॉर्दर्न आर्क के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। और अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ कौन बने हैं, संजीव नोटियाल, नोटियाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच फाइनेंस कंपनी लॉन्च्ड द कंप्लीट होम लोन प्लान ऑफर्ड थ्रू डिजिटाइज प्रोसेस, तो ये क्या एलएनटी फाइनेंस ने। ओके और अभी ग्रो म्यूचुअल फंड ने क्या लॉन्च किया, ग्रो म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया इंडिया का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिंग म्यूचुअल फंड, निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स फंड, कंज्यूमर इंडेक्स फंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड है वॉलेट ऐप इन इंडिया, वॉलेट ऐप लॉन्च किया फॉर एंड्रॉइड यूजर बट विदाउट पेमेंट फीचर, पेमेंट फीचर नहीं है बस वॉलेट पीपल, वॉलेट ऐप लॉन्च किया है, तो वो किसने किया है, वो किया है गूगल ने, ठीक है। और अभी आरबीआई की गाइडलाइन आई थी, उसमें एनबीएफसी को बोला था आरबीआई ने
कि जो कैश पे आउट की लिमिट होगी ना, कैश पे आउट की लिमिट, पे आउट लिमिट जो भी कैश लोन होंगे उनके, वो होगी 20,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 4, कौन से बैंक ने को भी रिकॉग्नाइज किया है एज ए बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 बाय किन सेंटरिंग फॉर फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर। तो बेस्ट एम्प्लॉयर है डीबीएस बैंक, ठीक है, और अभी अप्रैल में जितने यूपीआई ट्रांजेक्शन हुए हैं उसमें से 40% फोन पे के हैं मैक्सिमम। IRDAI ने क्या किया है, अभी फाइन लगाया है, पेनल्टी लगी 1 करोड़ रुपए की, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी पे वो बने लगाया है, गो डिजिट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मच अमाउंट रिक्वायर्ड टू हैव एग्री फूड इमिशन इमिशन बाय 2030, अचीव नेट जीरो टारगेट बाय 2025 बाय वर्ल्ड बैंक। तो एग्री फूड इमिशन के लिए 2030 तक के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, तो चाहिए 260 बिलियन डॉलर, 260 बिलियन डॉलर चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा लेट हो रहा है मुझे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। HDFC बैंक ने पार्टनरशिप किसके साथ की है, टू फोस्टर सोशल सेक्टर इनोवेशन विद 19.6 करोड़ ग्रांट्स। तो 19.6 करोड़ की ग्रांट दी है, तो वो दी अटल इनोवेशन मिशन को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, IRDAI ने किसका अपॉइंटमेंट अप्रूव किया है एज चेयरमैन ऑफ HDFC लाइफ। HDFC लाइफ के नए चेयरमैन बनेंगे KK मिस्त्री, और HDFC बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती, ये डायरेक्टर जनरल है मौसमी, डायरेक्टर जनरल है ऑल इंडिया रेडियो के, हितेश सेठी MD CEO ऑफ जियो फिनसर्व। ओके, थैंक यू रोजिंग स्टूडियो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।